ये वही नागा बाबा का आश्रम है जहाँ पर हजारों लोगों ने इतना दिन तक लॉकडाउन के समय से ही यहाँ पर सभी सभी को सहारा मिला हुआ है। और आप देख सकते हैं आज इन सभी लोगों को इस आश्रम के माध्यम से ही सभी को अपने अपने घर भेजे जाने का पूरा तैयारी कर लिया गया है। लोगों के लिए अलग से खाना पीने की भी सारी व्यवस्थाएं की गई है ताकि रास्ते में जब ये लोग जाए तो किसी प्रकार का कष्ट का सामना ना झेलना पड़े। इस आश्रम का जब हम लोगों ने यहाँ पर पहुँच करके सबसे पहले जब इस पर ग्राउंड रिपोर्टिंग हम लोगों ने की है और जैसे ही हिंद एक्सप्रेस की तरफ से इस पर रिपोर्टिंग का असर ऐसा दिखा कि आश्रम से लेकर के सभी लोगों ने इस पर तत्कालीन जो यहाँ पर राज्य सरकार ने वो भी स्टेप लिया और जो सभी जो यात्री यहाँ फंसे हुए थे उसको भेजने की सारी कवायदें तेज कर दी गई और सभी को अपने अपने स्थानों पर भेजा जा रहा है। खाने पीने की सुविधा हर एक चीज की सुविधा हमको किस कम के लिए मंदिर के लिए काली माता के मंदिर के लिए। फिर परमिशन कैसे मिला? तो अब हमने मतलब सारी जगह वहाँ से हम खाने गए थे, खाने वालों ने हमारी वो नहीं हुई तो फिर मीडिया वाले भैया जी आए थे, उन्होंने हमारी बातचीतें हुई थी, हमने बोला मीडिया पर तो हमारी खबर सारी जगह गई थी, सारी जगह गई थी हमारी खबर। फिर सारे मतलब जो भी है मुख्यमंत्री नेता वगैरह है जो भी है सब ने हमारी मदद की और अशोक भैया जी हैं ना उन्होंने भी हमारी बहुत मदद की। ठीक है, कितना दिन बाद घर जा रहे हैं? 2 महीने के बाद जा रहे हैं। आज यहाँ से हम पावन आदमी को भेज रहे हैं तो 2 महीना से था तो बहुत सा हम लोग के साथ में एक प्यार मोहब्बत हो गया। हाँ तो और हम लोग का कहावत है कि अतिथि देव भव, तो इसी हिसाब से इन लोगों का हमने हर तरह का व्यवस्था किया खाना पीना रहने का और इन लोगों का भी से आज शाम का नाश्ता कल 2 टाइम का खाना मतलब घर जाने तक का हमने व्यवस्था कर दिया, बच्चों का दूध वगैरह और दवा वगैरह सब मैंने व्यवस्था यहाँ पर मैंने प्रशासन के द्वारा मेडिसिन का जो मेडिकल चेकअप करवा दिया हमने, गवर्नमेंट से हम लोगों ने परमिशन करवा दिया सब लीगल टाइप में, जो भी सोशल जो भी नियम है WHO का जो रूल्स है उस हिसाब से हमने पूरा फॉलो किया 2 महीना तक। दो महीने हो गए यहाँ पे रहते थे दिल्ली यहाँ पे।